बताइए। बाबा यहाँ का नाम भूतनाथ पड़ गया बाबा, सामने भूतनाथ मंदिर भी है, भूतनाथ नाम पड़ गया। तो ये बाबा यहाँ की यादगार है क्या? ऑल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा भिखारी कहाँ है? भारतवर्ष में ढेर सारे राज्य हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ के मनुष्य समझे जाते हैं? हैं? यूपी के। यहाँ तक कि अगर ये बता दें कि ये यूपी के हैं तो उनको किराए पर मकान भी नहीं देते। और यूपी तो बड़ी जगह है, आबादी भी बहुत है, सब राज्यों से ज्यादा आबादी यूपी में है। काम विकार बढ़ता है तब आबादी बढ़ती है, या ऐसे ही आबादी बढ़ जाती है? आबादी भी बढ़ती है। और यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ में भी वो नगर कौन सा गाया हुआ है जहाँ डर भरा हुआ है? इंदिरा नगर। डर कैसे होता है? विकारी को डर होता है कि निर्विकारी को डर होता है? भिखारी को डर होता है। तो राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में भी इंदिरा नगर, तो ज्यादा भूत कहाँ होंगे? इंदिरा नगर में भूत ही होंगे, तो भूतनाथ को आगे अड्डा जमाना पड़ता है। तो यादगार में भूतनाथ मंदिर बनाई दिया। और बाबा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किस आधार पर इसका बयान किया गया? अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है या सरूरूपी वस्त्र है कोई जो विश्व विजय करके दिखलावे? कोई शरीर रूपी वस्त्र है जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की? हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी ने नहीं की, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए वो नहीं कर सके। लेकिन ये भारत के तीन शरीर रूपी वस्त्र हैं जो आपस में मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसलिए हमारा झंडा है त्रिमूर्ति शिव का, एक मूर्ति का नहीं, त्रिमूर्ति शिव। तीन मूर्तियां चाहिए। और शरीर छोड़ने वाली या सूक्ष्म वतनवासी नहीं या निराकार नहीं कि 32 किरण दिखा दे और 32 गुण दिखाई दिए जाए। गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? निराकार को तो कहा जाता है निर्गुण। तो त्रिमूर्ति शिव का हमारा झंडा है यादगार। वो कपड़े के झंडे तो चाहे जितने कोई लगा दे,
अपने अपने मकान के ऊपर, लेकिन झंडा ऊंचा वास्तव में किसका करना है? इन तीन चैतन्य मूर्तियों का झंडा ऊंचा करना है, इनका नाम वाला करना है संसार में, जो सारे विषय के ऊपर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है और बनाती है। और पांडवों का युद्ध होता है तो ये कौरव पांडव अपना शरीर जो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में फिर जो है गांधारी और जो है वो रहते हैं धृतराष्ट्र, तो उनको साथ फिर मुलाकात कहाँ होती है? अगले ही जन्म में मुलाकात होती है, वो तो स्वर्गारोहण कर गए, इसी दुनिया में होगी। दूसरी दुनिया आती है क्या? दुनिया तो यही होती है। हाँ अभी कहा ना कि शिव मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी के मंदिरों में जाओ और वहाँ जाकर सेवा करो, लेकिन साथ साथ में ये भी कहे कि ये ब्रह्मा का पाठ है, दूसरों को ब्राह्मण प्रजा को आगे निकालना, तो क्या ये जो पाठ है हम लोग एडवांस पार्टी वाले क्या शिव मंदिरों में हिंदू मंदिरों जाकर सेवा कर सकते हैं? कौन से मंदिर में जाके? शिव मंदिर और लक्ष्मी के मंदिर का ना अभी हद के बेहद के ब्रह्मा कुमारी सेंटर वो मंदिर है, वहाँ लक्ष्मी नारायण बैठे हैं कोई युगल है, जहाँ भी कोई कुमार बैठा हुआ है कमरे में और ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा है, एडवांस में चल रहा है, वो किसका मंदिर है? वो शिव का मंदिर है, पांडव भवन कहो शिव मंदिर कहो, वहाँ जाने आने वाले जो भी कुमार इकट्ठे होते हैं, जो भी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, उनको सुनाएंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा और गीता पाठशाला है, मैंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर घेराव के लिए बोला अभी है, घेराव डालो माने जितनी ज्यादा गीता पाठशालाएं खोलेंगे, जितने ज्यादा मिनी मधुवन बनावेंगे उतना घेराव पड़ता जाएगा, आवाज निकलेगी, फिर तुम्हारा पाला ऊंचा हो जाएगा। जाना है वो बड़े बड़े शंकराचार्यों के मठ हैं या मंदिर हैं? वो तो मठ बनाए हुए हैं, वो तुम्हारी बातें थोड़े ही सुनने देंगे। और बाबा ये ब्रह्मा कुमारी है ना, ये क्यों तांत्रिक लगा कर शिव बाबा से यदि पर ऐसा हमला करते हैं बाबा, तांत्रिक भूत चला करते हैं क्यों ऐसा हमला करते हैं? जिनको भगवान नहीं मिलेगा तो भूतों का ही आसरा लेगा या किसका लेगा है? जिसको भगवान मिल जाए वो भूतों का आसरा क्यों लेगा? अभी देखने में ये आ रहा है कि बहुत मारती आत्मा होती है, जो वो भट्टी करने जाते हैं तो बहुत उम्र सामने होते हैं और यह मतलब क्लास में भी आते हैं तब भी, लेकिन ऐसी कोई कोई आत्मा है क्या है तो वो लोग उसमें भट्टी से पड़ा वो मिलने नहीं देते, भट्टी करने नहीं देती कोई कोई आत्मा, ऐसा भी कुछ पाठ चल रहा है क्या? जब नौ धर्मों के नौ ग्रुप हैं और नौ धर्मों की नौ प्रकार की जड़ें हैं और उन जड़ों के नौ प्रकार के बीज हैं, तो उनमें पहले बीज को बुद्धि में बैठेगा या जड़ों को बुद्धि में बैठेगा या पत्तों टहनियों को बुद्धि में बैठेगा? पहले बीज को बुद्धि में बैठेगा, और बीजों में भी अलग अलग नौ प्रकार की कैटेगरी के, दस प्रकार की कैटेगरी के हैं, तो जो जिस कैटेगरी का है बीज तो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? बीज तो छोटे होते हैं और जड़ें, जड़ें तो बड़ी होती हैं, तो जो पावरफुल जड़ें होती हैं जब तक वो अपने स्वरूप को न पहचान लें और बाप को न पहचान लें तब तक वो आत्माएं अपने वर्ग वाली आत्मा में प्रवेश करके उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी। ये आधारभूत आत्मा ही? हाँ जी,
वो शरीर वहाँ छोड़ती जा रही है, सूक्ष्म शरीर धारण करती जा रही है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा पावर होती है या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा पावर होती है। बीज रूप आत्मा है उनकी, अपने साकार शरीर है, तो उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी तब तक। पुरुषार्थ करने में बाधा भी डालती है। इक्कीस जन्मों की प्राप्ति कराने वाला बाप कौन है? शिव बाप। वो श्रेष्ठता की ही प्राप्ति कराता है। लेकिन एक बेहद का बाप ऐसा भी है जो स्वर्ग की दुनिया का भी मालिक है तो नरक की दुनिया का भी मालिक है। वो कौन है? है? प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। जैसे और धर्म पिताएं हैं, अपनी अपनी प्रजा के पिता हैं, ऐसे ये भी अपनी प्रजा का पिता है। क्या शिव जिसका नाम है वो कल्याणकारी प्राप्ति ही कराता है, या कल्याणकारी 21 जन्मों के अलावा भी प्राप्ति कराने का निमित्त है, तो कल्याणकारी ही बनाता है। 21 जन्मों की प्राप्ति का शिव है निमित्त, और बाकी वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो सबका बाप है, असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। तो 63 जन्म जो राजाइयां स्थापन हुई है, हुई है या नहीं हुई है? या इब्राहिम के आने से ही राजा स्थापन हो जाती है? बुद्ध या क्राइस्ट के आने से ही राजा स्थापन हो जाती है क्या? नहीं, उनमें सिद्ध ही नहीं है राजाई या राजधानी स्थापन करने की। इसलिए जो मनुष्य सृष्टि का पिता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि को, कोई धर्म की आत्मा हो, उनका फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। बाबा दोनों को खुद कर देते हैं, मतलब दोनों को खुद कर देते हैं, देवी देवता को भी खुद करते हैं, इधर असुरों को भी खुद कर देते हैं। क्या दोनों को ही प्राप्ति कराते हैं? अब बताया ना, जो श्रेष्ठ देवताएं हैं वो तो सतयुग त्रेता में ही हैं, लेकिन देवता धर्म को फॉलो करने वाली और जो आत्माएं हैं 23 करोड़, उनको प्राप्ति किससे होती है? प्रजापिता से। हाँ, प्रसाद अनुसार जो है 21 जन्म मिलते हैं जैसा प्रसाद किया जाता है संगम पर, और फिर बता दें उसके आगे जो 63 जन्म हुई वही प्रसाद अनुसार ही मिलते हैं क्या? 21 जन्म जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति करने के लिए जो हमने पुरुषार्थ किया है, और पुरुषार्थ करने के लिए जो प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस का मादा 63 जन्म में काम आता है। जिसने यहाँ 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए तीव्र पुरुषार्थ किया है, तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार जिसके अंदर भर गए, वो 63 जन्मों में भी कैसा पुरुषार्थ करेगा? तीव्र पुरुषार्थ ही करेगा। तप कर राज कर नरका, फिर तप कर राज कर नरका। एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन सकता है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार यहाँ पैदा कर लिए तो कहाँ संगम निगुण। हाँ बाबा, हरा रंग और नीला रंग जो है विषैला बताया है, विषैला बताया है, हरा रंग और नीला रंग इसका मतलब समझ। इब्राहिम को झाड़ के चित्र में हरा झाबा पहने हुए दिखाया गया है।
रामलीला दिखाते हैं या कृष्ण लीला दिखाते हैं तो असुरों की सेना को काला या नीला रंग पहनाते हैं। वैसे भी भांति भांति के सर्प होते हैं और उनका जो विष होता है वो भी इन्हीं रंगों का होता है, या हरा होता है या नीला होता है या काला होता है, इसलिए तीन रंग दिखाए जाते हैं। विशेष दुनिया कलयुग में भी ये तीन रंग वो यही है, यही रंग दिखाया जाता है। हाँ, वैसे भी कहते हैं सावन में जो अंधा हो जाता है आदमी उसको क्या दिखाई पड़ता है, बाद में चार ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। और बाबा मधुबन में एक महिला ने बाबा से मिलने के बाद उसने जाके अपने कमरे में आत्महत्या कर ली थी, तो ऐसा क्यों उसने किया बाबा? बाबा से मिलने के बाद मधुबन में गई और मिली, उसी टाइम सब लोग बैठे थे क्लास में, मधुबन में और वहाँ माउंट आबू में, और फिर अपने कमरे में गई रस्सी बांध के और उसने आत्महत्या कर लिया। क्या हुआ? नहीं कह रहे, कहते भगवान के घर में। भगवान कोई सूक्ष्म शरीरधारी होता है क्या? भगवान औरतों में प्रवेश करता है क्या? है? अब हम लोग तो सुबह सुबह फिल्म देख के तो डर गए, ऐसा क्यों? तुम तो बुद्धि में तो सोचे हो, भगवान को कभी औरत के रूप में दिखाया है? फिर भूत प्रेत होते हैं, वो हत्या करते हैं, आपघात करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। आजकल घाटे वाले तो जगह जगह फैले हैं, मतलब सब और करके अक्सर ज्यादा वाले घाटे वाले बाबा औरतन से ज्यादा चले थे। घाटे वाले क्या मुरली में ये कहाँ बोला है कि ब्रह्मा की आयु षष्ठी चक्र में 50 साल कम हो जाती है? मुरली में तो ये बोला है कोई के 50 साल भी कम हो गए होंगे, ब्रह्मा शब्द तो नहीं बोला। और वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा की 60 साल आयु कौन से युग में थी, वो कौन से वर्ष में थी? 47 में, 48 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ तब से मुरली निकलती चली आई है, उससे पहले तो मुरली थी ही नहीं। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो उससे पहले तो मुरली का कोई प्रूफ ही नहीं है, तो साबित होता है कि दादा लेखराज 60 साल की आयु 47 में हुई, फिर 40 साल जोड़ने से 100 साल उनकी उम्र 87 में पूरी होती है। तो ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होगी तो षष्ठ चक्र में से उनकी आयु में से कितने साल निकल गए, कौन से 50 साल? है 87 से लेकर 2036 तक के 50 साल उनके कम हो जाते हैं। 87 में 100 साल आयु पूरी हुई तो 1987 से लेकर के और 2036 तक संगम पूरा होता है, तो 50 साल उनके कम हो गए ना षष्ठी चक्र में से। इसीलिए कह सकते हैं कौन वो कृष्ण जो शरीर अच्छा बनने वाला है का पहले बाप
प्रत्यक्ष होता है या बच्चा प्रत्यक्ष होता है? तो जो बाप है, जो संगमयुगी कृष्ण कहा जाता है, मेरा नाम शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी नहीं बदलता, मेरी बिंदी के ऊपर ही नाम पड़ता है, क्या शिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और जितनी भी आत्माएं हैं उनकी आत्मा का नाम नहीं है, क्या ही का नाम है, शरीर का नाम है, तो कृष्ण नाम किसका है, शरीर का। तो भक्ति मार्ग में जो कृष्ण है और जिस कृष्ण की महिमा गाई हुई है वो संगम युग का कृष्ण पाठधारी है या सतयुग का पाठधारी है? संगम युग कृष्ण का पाठधार पाठ जो है वो शास्त्रों में गाया हुआ है, संगम युग कृष्ण के साथ कंसी जरा सिंधी है, ब्रह्मा की सोल के लिए कहाँ है? लेकिन आत्मा कौन सी है ना, ब्रह्मा की। नाम किसका होता है, देहधारी का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? देहधारी का नाम होता है तो संगम युग में कौन देहधारी है? राम वाली आत्मा, इसलिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो कौन सा कृष्ण, सतयुग का या संगम युग का? अब एक आत्मा नेक्स्ट टू शिव होगी या दो आत्माएं नेक्स्ट टू शिव होंगी? फिर कौन सी आत्मा है नेक्स्ट टू शिव? राम वाली आत्मा नेक्स्ट टू शिव है, वो ही है संगम युग कृष्ण। इसलिए चार नाम बोले हैं नेक्स्ट टू गॉड में, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। माना शंकर कहो, नारायण कहो, कृष्ण कहो, प्रजापिता कहो, ये एक ही व्यक्तित्व के नाम है अलग अलग, और ये संगम युग में होते हैं। और है जैसे बताया है कि क्रिश्चियन धर्म का गुण बताया ठंडक रोधी, ठंडक रोधी बताया क्रिश्चियन धर्म का। अगर कोई आत्मा एडवांस में चलती है उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है या कन्वर्ट हुई आत्मा है? थोड़े समय के लिए वो लक्षण दिखाई देते हैं और ज्ञान और योग के फोर्स से फिर वो गायब हो जाते हैं। तो कौन से धर्म की हुई? फिर कन्वर्ट हो गई ना, है? तो थोड़े समय कन्वर्ट नहीं होगी या ज्यादा समय? वो तो जितना लंबे समय वो लक्षण दिखाई दे उतना लंबे समय शूटिंग हो रही, जब वो लक्षण गायब हो जाए तो खत्म। मान लो ज्ञान में चलने के बाद भी कोई बात कोई विपरीत होती है अगर हम उसको सहन करते हैं तो क्या भक्ति मार्ग की शूटिंग है क्या? ज्ञान मार्ग की बात होती है हम सहन करते हैं। जैसे मान लो कोई श्रीमत के खिलाफ बात है कुछ विपरीत है लेकिन हम श्रीमत मान के उसको चलते हैं तो क्या ये भक्ति मार्ग की शूटिंग है? श्रीमत मार्ग श्रीमत के ऊपर चलने वाले को भक्ति मार्ग कहा जाता है? हम भक्ति मार्ग की बात को क्यों स्वीकार करें जब भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद करना है? कुछ नहीं बोले माने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हम नहीं ध्यान देते, याद भी नहीं करते उसने क्या कहा, जानते हैं फालतू बक बक कर रहा है, तो भक्ति मार्ग की हम क्यों शूटिंग कर रहे हैं? साक्षी होकर के उसकी बात सुन ली, जानते हैं अंदर से ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। अगर नहीं अंदर समा सकते हैं, बार बार याद आती है तो बाप को बता दो। और एक पत्नी चलती हुए ज्ञान में और पति चलता हुए भक्ति में तो दोनों में खटपट होती है, उन्हें क्या किया जाए? हिसाब किताब पूरे किए जाए 63 जन्म में है। उसने अच्छा काम किया होगा उस आत्मा ने और हमने बिघन डाला होगा तो वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा। हम तो फायदे में ही हैं, वहां हमने बुरा काम किया भक्ति मार्ग में, उसने हमको रोका है ना,
तो हमने बुरा काम किया उस समय हमारा एक गुना पाप चढ़ा, चढ़ा कि नहीं। और अब हम हैं यहाँ संगम युग में, अगर वो हमारा अपोजिशन करता है और हम भी उसका अपोजिशन करें तो सौ गुना हमारा चढ़ जाएगा। इसलिए बड़े प्यार से हिसाब किताब पूरा करते रहे। अरे हम तो हल्के हो रहे हैं। ज्ञान में चल रहा है, कह रहा है हमको भगवान मिला है तो जानकार है ना। बाबा कोई जो बार बार परेशान करे रहा है तो परेशान वो होता है जो आत्म की स्थिति की शान में नहीं रहता। जो सदैव आत्म की स्थिति की शान में रहने वाला है उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। देवान में रहने वाले को परेशानी होती है। हाँ जी बाबा, मुरली ने भी बोला कि 2,02,000 आत्माएं जो है प्रत्युत से त्रेता में आ जाती है तो, और 9,00,000 जनता उसमें होती है, 9,00,000 होती है सब युग में, 9,00,000 आज में, बाद में प्रत्युग आज में 9,00,000 और अभी बार बोला कि 2,00,00,000 आत्मा जो है 2,00,00,000 सत्युग के अंत में, अंत में तो उसमें सत्युग में पूरी पूरी पहले नहीं आती हूँ, बाद में आती, अंत में आती हूँ 2,00,00,000। हर जन्म में बढ़ते जाएंगे ना, तो सत्युग के अंतिम जन्म में 2,00,00,000। हाँ सत्युग के अंत में 2,00,00,000 और त्रेता के पहले जन्म में 2,00,00,000 से बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत में 10,00,00,000 हो जाते हैं। 10,00,00,000 हो जाते। हाँ जी, 33 करोड़ वो देवता धर्म की आत्माएं, तो हर धर्म की आत्माएं बढ़ती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं, या कोई आत्माएं किसी धर्म की उतरना बंद हो जाती हैं तो देवता धर्म की भी उतरती रहती है। एक आदमी बात करो, युगल है लाख रोज करते हैं उनके यहाँ गीता पाठशाला नहीं है तो क्या संगठन मिल के उनके यहाँ रखा जा सकता है? तो जिससे अगल बगल क्या करते हैं संगठन गीता पाठशालाओं में ही रखा जाए वो ज्यादा अच्छा है, बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा लोगों को। जो गीता पाठशालाएं निमित्त बनी हुई हैं, वहीं संगठन करना अच्छा है। और संगठन भी एक दिन का होना चाहिए, ऐसे नहीं दो दो तीन तीन दिन का संगठन रख लिया जाए। हाँ जी गीता पठन के बारे में चर्चा हुई तो इसीलिए चला कि जैसे गीता पठन निमित्त है वहाँ पर तो वो गीता पठन दिन भर बंद कर देते हैं या दो दिन या एक दिन, तो वहाँ पर क्या निमित्त रूप में माता जी का रहना जरूरी है या भाई जी का या किसका, क्या दिन भर बंद भी रहेगा? ठीक है बाहर जाना पड़ता है, दोनों को ही बाहर जाना पड़ता है तो कोई दूसरी माता को बैठा दे दो एक दिन के लिए, माता जी रहे, माता रहे मेच्योर्ड माता निमित्त बन के रहे कोई की, कोई भी निमित्त माता के बारे में अगर हाँ जी मेन जा रही है दोनों, हाँ जी हाँ जी तो क्लास में आने वाली माता को बिठा कर ही बाहर निकले, हाँ जी तो दोनों या एक दोनों तो नहीं कर सकते ना वहाँ से, बताया है उनको दोनों को ही जरूरत हो कहीं जाने की तो किसी को निमित्त बना के बैठा के जाए। लेकिन मंदिर बनाया हुआ है लक्ष्मी नारायण का तो मंदिर में ताला लगाया जाता है क्या? बाबा ने बताया कि एक दो महीना पर भी कोई बच्चा लेटर नहीं लिखा था समझो मर गया, अगर वो बच्चा ऐसा डेली मुरली क्लास करते है महीना में और उसके समझ मिल जाते है उसके लिए भी लागू होता है या उसके समझ में क्लास में करे? मुरली पढ़ता है वो तो घर में बैठ करके पढ़ता है, लेकिन बाप साकार में है या आकारी और निराकारी तो कनेक्शन है या कि नहीं? कनेक्शन है तो कनेक्शन का सबूत क्या है?
तो बाबा को वो सब जाने से मिलता है रोज महीना महीना वो किसी वर्ण लिखते किसी लिखता है नहीं फोन नहीं करता है लेकिन समझ में जाता है क्लास करता है बाबा आने समय मिलता है तो संगठन का वो संगठन का कागज नहीं पहुँचता हेड ऑफिस में तो संगठन का कागज पहुंचता है उससे ही पता लग जाता है कि हाँ कनेक्शन में है परिवार के कनेक्शन में है संगठन जो कागज बोला गया अभी तो जैसे कि ये रजिस्टर गीता पाठशाला का तो वहाँ साइन सारे करते हैं तो अलग कागज तो कोई करने का अलग कागज में करने की दरकार क्या है जो गीता पाठशाला का रजिस्टर है उसी में संगठन के साइन है उसी को फोटो स्टेट करके हेड ऑफिस में भेज दो हाँ जी हाँ जी हफ्ता वाला कि महीना वाला कोई भी संगठन हो सप्ताह का हो 15 दिन का हो महीने का हो त्रैमासिक हो बाबा ने बताया कि गीता पाठ वाला पर पोता का हिसाब किताब जो है वो क्या पर मंथली जाने से ही बहुत अच्छी गीता पाठ वाला होती है वो निकाल दिया था लेकिन अभी देखा गया कि गीता पाठ वाला में ऐसे हिसाब किताब निकाल दिया है जो जितना करता है वैसा पाता है बाबा तो सभी से कहते हैं अपना पोता मिले को कितना याद किया कितना पाप कर्म किया कितना किसको दुख दिया अब कोई करता है कोई नहीं करता जो करेगा तो पाएगा वो सब मेरे को देना जरूरी है कि उसका मतलब हर महीने का पूरा चार्ज लेके देना जरूरी है अरे देगा अपने लिए देगा नहीं देगा अपने लिए देगा जो जरूरी क्या होता है उसको अपने को बाप का बच्चा समझता होगा तो मुरली में तो बोला हुआ है कि बच्चे का पूरा हिसाब किताब बाप के पास आना चाहिए बाबा हम बेसिक में चलते थे वहाँ खाते थे दादी इनके बाबा आते हैं वहाँ बाबा आते रहे कि मतलब ब्रह्मा बाबा असी बाबा आते थे जब बेसिक में चलते थे तब दादी वहाँ जाते थे राजस्थान तो कहते थे ब्रह्मा बाबा आते थे और कि सी बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा आते थे कि शिव बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते थे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा पतित तन में आता है कि पावन तन में आता है हैं पावन तन में आता है हैं शिव बाबा पतित तन में आता है या पावन तन में आता है उसको बोल लेना ना माता को शिव बाबा पतित तन में आता है या पावन में आता है पावन में आता है तो सन्यासियों के तन में आना चाहिए कन्याओं के तन में आना चाहिए आता है तो पतित में आता है या पावन में है? अरे मुंह से बोलो ना कंफ्यूज क्या आएगी बस अरे शिव बाबा पतितों को पावन बनाने आता है या जो पहले से ही पवित्र है ऋषि मुनि सन्यासी उनको पवित्र बनाने आता है तो किस में आएगा पतित में पतित तन में आएगा या पावन तन में आएगा पतित तन में गुलजार दादी जो है वो बचपन से ही ब्राह्मण जीवन में पली है आश्रम में रह रही है बचपन से ही तो पवित्र कन्या है या पवित्र कन्या है हैं पवित्र तन है तो पवित्र तन में शिव बाबा आवेंगे इतनी सी बात रोज जो मुरली में बात आती है उसी बात को भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा लेकिन बाबा वो शरीर तो मूतपली से बना हुआ है ना तो क्या हुआ मूतपली से बना हुआ जरूर है लेकिन जो शरीर है वो पतित कर्म किया है उसने फिर एक वो है मूतपली तो सब है लेकिन मूतपलीति कर्म कर रहे हैं और एक है कन्या जिसने जिसको अनुभव ही नहीं है उस बात का सन्यासी भी पांव पूजते हैं सन्यासियों की दुनिया पांव पकड़ती है और सन्यासी कन्याओं के पांव पकड़ते हैं क्यों पवित्र तन है ना तो शिव बाबा पवित्र तन में आता है या पतित तन में आता है पतित तन में आता है जानता है कोई क्या जितना जानेगा उतना ही पावेगा
कोई नहीं जानता यथार्थ स्थिति, कोई नहीं जानता। अगर एक ने भी नहीं जाना तो एक भी अभी नारायण नहीं बनेगा, जब पूरा जानेगा तो नारायण बन जाएगा। जाने का क्या हुआ पाठ के बारे में, जो बाबा का यथार्थ रीति पाठ है उस पाठ के बारे में बोला थे। बीज है तो बीज में सारे वृक्ष का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सारी सृष्टि का पिता है तो उसकी बुद्धि में सब बच्चों का पूरा अनेक जन्मों का सारा हिसाब किताब बुद्धि में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फिर सीढ़ी के सामने बैठ कर क्या देखो समझने के लिए बोला? क्या देखो क्या समझो? सीढ़ी के सामने बैठ जाते तो उसको उठ कर हाँ उसको देखो हाँ तो अच्छा सीढ़ी के ऊपर बैठ जाओ अरे सामने नहीं उसके ऊपर ही बैठ जाओ कुछ मिल जाएगा क्या? ये तो बुद्धि चलाने की बात है, एक एक बात की गहराई को समझो कि ये जो बात दी हुई है ये क्यों दी हुई है, गहराई में जाओ एक एक पॉइंट की। लेकिन बुद्धि चलेगी उतनी ही जितना योगदान दिया होगा, चाहे तन से जैसे पढ़े नहीं है, हम पढ़े नहीं है, हम लिख नहीं पाते तो हम क्या करें? दुनिया के कोई भी काम आदमी करता है या जानवर करते हैं? बोलो, दुनिया में जो भी काम करते हैं वो आदमी करते हैं या जानवर करते हैं? तो आप आदमी हैं कौन है? आप पढ़ लिख नहीं सकते? अरे तुम पढ़ाते हो तो पढ़ो फिर। बाबा मुस्लिम विश्वास है कि नई दुनिया में आना जाना करते हो है? किन से बोला है? कौन से बच्चों को बोला है? तो जिनको बोला है वो आना जाना करते होंगे। हैं? करेंगे, ये थोड़े कहा करेंगे, ये कहा करते हो। हैं? जो कहा रहे उस गिनती में नहीं है अगर असदेव के बराबर की गिनती में है तो या तो अष्टदेवों में से उनकी प्रजा होंगे। जो अष्टदेव हैं वो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं या प्रजा क्वालिटी की आत्माएं? राजा क्वालिटी की आत्माएं। जो अष्टदेव राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं वो सब एक जैसे हैं या उनमें भी नंबरवार है? तो उनमें जो नंबरवार हैं उनमें पहले नंबर का जो होगा वो पहले नई दुनिया बनाएगा या सब नई दुनिया एक साथ बनाएंगे? पहले नंबर वाला पहले अपना संगठन तैयार कर लेगा, प्योरिटी यूनिटी बना लेगा। तो जिसकी जो दुनिया बन गई वो तो अंदर ही रहेंगे या बाहर निकलेंगे? वो तो अंदर रहेंगे, बाकी जो सात हैं वो आना जाना करते होंगे। वहाँ तक बुद्धि ही नहीं पहुँचती। राजा जो है राजा वो औरों को बनाएगा ना, तो क्या वो कौन से नहीं बना, क्या पहचान है कि ये प्रजा उसकी है? राजा की तो प्रजा कौन है, क्या है ये तो पता ही नहीं। सब बोल रही बात फिर दोबारा बैठ के बताओ। आठ देव हैं तो वो एक ही धर्म से कनेक्टेड हैं
या सब अलग अलग धर्मों में जाके आखिरी जन्म में गिरते हैं? अलग अलग धर्मों में गिरते हैं। तो जो जिस धर्म से ज्यादा कनेक्टेड है वो नंबरवार ही पुरुषार्थ करेगा कि सब एक जैसे पुरुषार्थ करेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ करेंगे। उनमें कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं हो पुरुषार्थी? तो जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी होगा वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी बाप के ज्यादा नजदीक होगा या दूर होगा औरों के मुकाबले, और सप्तदेवों के मुकाबले? ज्यादा नजदीक हो। जो ज्यादा नजदीक होगा बाप के वो पहले अपना संगठन तैयार कर लेगा या दूसरे तैयार कर लेंगे? बाबा ये अस्त जो है ना बाबा, वो तो अधिक धर्म के नहीं होते, एक ही सूर्यवंशी होते हैं। एक ही सूर्यवंशी होते हैं, लेकिन आखिरी जन्म में अलग अलग धर्मों में जाके गिरते हैं या नहीं? गिर जाते हैं। इसका मतलब उनका उस धर्म से विशेष कनेक्शन रहा ना, सब तो वहां जाके गिरे, वहां जाके ना कर गिरी, वो लगाव साबित होता है ना विशेष। तो वही धर्म की आत्माएं जो है, अलग अलग धर्म की आत्माएं त्रासी जन्म तो सूर्यवंशी पुरुषार्थ में रहती हैं, बाकी आखिरी जन्म में उनको माया गिराए देती है। तो एक जन्म का जो पुरुषार्थ है वो नीचा हो जाता है। त्रासी जन्म तो सूर्यवंशी बन के रहे, सूर्य के फॉलोअर रहे, सूर्य के सहयोगी रहे, आखिरी जन्म में माया ने उनको गिरा दिया। तो उनमें जो कैटेगरी है इनकी एक ही है या सबकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है? अलग अलग कैटेगरी हो जाती। तो वो जो भी आठ देवताएं हैं उनमें अव्वल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? जो अव्वल नंबर होगा वो बाप के नजदीक होगा या नहीं होगा? जो बाप के सबसे नजदीक होगा उसका संगठन पहले तैयार हो जाएगा। संगठन तैयार होता है तो जो संगठन में रहते हैं वो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे? अंदर रहेंगे, और बाकी साथ बाहर होंगे। तो बाहर वाले पर संगठन के अंदर नहीं है? आना जाने का मतलब क्या है? अरे अष्ट देवताएं हैं, जन्म जन्मांतर वो राजाएं बनेंगे, तो क्या एक ही राजाई में घुसे रहेंगे या अलग अलग राजाइयां होंगी उनकी अपनी? अलग अलग राजाइयां होंगी। हाँ, उन्हीं में आना जाना करते होंगे। जो ज्यादा ज्यादा मर्तबे वाला होगा उससे ज्यादा कनेक्टेड होंगे। हाँ तो क्या वो सारे सनातन धर्म के बीज है या और भी धर्मों के बीज इकट्ठा है वहाँ पर? हो सकता है, अगर और धर्मों के बीज होंगे तो वो बाद में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो फाउंडेशन पड़ रहा है। जब नींव खोदी जाती है, मकान की खोदी जाती है नींव, तो नींव में पत्थर डाले जाते हैं ना, जचा का मारा जाता है। तो कोई पत्थर इधर उधर खिसक जाता है कि नहीं खिसक जाता है? तो जो खिसकने वाले होंगे वो खिसक जाएंगे। हाँ, जो जाम होने वाले होंगे वो जाम हो जाएंगे। हाँ, उनकी क्या चिंता, हमने तो पढ़ रहा है। अभी स्वर्ग थोड़े ही बन गया है, ऐड होते जा रहे हैं। नए संगठन में क्या सिर्फ कन्याएं भी जा सकती कि माता है, भाई सब लोग मतलब नए संगठन में जा सकते हैं? भाई लोगों को दुर्योधन दुशासन बता दिया सो, उसमें बैल भी घुसेड़ देंगे तो क्या हाल होगा? माताएं भी क्यों नहीं जा सकती? अच्छा पार्ट बजाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? हैं? हाँ हाँ, जो जाएंगी वो ही जाएंगी जो जाने योग्य होंगी। है पिछले कल्प में कोई भी आत्मा जिस तरह का पार्ट बजाती रहती है, आने वाले कल्प में भी उसी तरह का बजाएगी कि पुरुषार्थ? अरे पूरे कल्प की बात क्यों कर रहे हो, इस जन्म की ही बात करो ना। 84 जन्म का पता है क्या? है 83 जन्मों में हमने कैसा पार्ट बजाया, क्या पार्ट बजाया, हम कौन थे वो पता है? वो तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, इस जन्म में जो जैसा हुआ है वो ही उस 84 जन्म में एक कल्प के बाद फिर जो कहते होगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। बाकी 83 जन्म के लिए तो तुम अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे।
दिल्ली के विधान में कुछ ऐसा नियमन है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो चित्त है हमारा उसमें रेखांकित होता रहता है अपना कर्म, और स्वाभाविक ढंग से उनका ऐसा विधान है कोई चलता रहता है चारों ओर। क्या ये सही है कि आत्म परिवर्तित भी कर सकता है? अरे जैसा कर्म करेंगे वैसी रेखाएं नहीं बनेंगी, तो नई बात क्या है इसमें? जो 63 जन्म हमने किया है वो 63 जन्म किए हुए के अनुसार अच्छा किया या बुरा किया वो इस आखिरी जन्म में शूटिंग हो रही है, रिहर्सल चल रही है। अच्छा कर्म किया होगा और वो अच्छा कर्म जब शूटिंग में उदित होता है तो अच्छी अवस्था बन जाती, बिना पुरुषार्थ किए भी अच्छी अवस्था बन जाती जी। कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि हम पुरुषार्थ उस समय कोई नहीं ऐसा अच्छा करते तो भी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती? तो जरूर अच्छे कर्मों की रील उठ गई, और जब हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, खींचतान करते हैं, और फिर भी हमारी अवस्था डाउन की डाउन बनी रहती है, उस समय कौन से कर्मों की रील उठ खड़ी हुई? पाप कर्मों की रील उठ खड़ी हुई। तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब खराब कर्मों की रील उठ खड़ी हो तो हम ठंडे होके बैठ जाएं, नहीं। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, ये रील तो पाप कर्मों की ऊपर नीचे होती ही रहती है। दादा ये जब माउंट आबू जाने टाइम हो गया ना हमारा है, होता है उस समय वो जीके वाली को तो उधर में वो हेड क्वार्टर बनाया है ना उन लोगों ने, वो हम जाने समय वो कहाँ जाते हैं? हम जब जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं वो लोग? अंदर कहने का होगा माउंट सेंटर बने हुए हैं, जो हम लोग का पार्ट आएगा वहाँ जाने का, ये जीके वाले खड़े कहाँ जाएंगे? बाबा गृहस्थियों को पढ़ाने आया है या सन्यासियों को पढ़ाई पढ़ाने आया है? वहाँ माउंट आबू में जो बैठे हुए हैं वो सब गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं? हैं? सन्यासी हैं। विचारी दुनिया सन्यासी बनाते हैं या गृहस्थी बनाते हैं? अपना घर घाट छोड़ देते हैं और दूसरा घर घाट जमा देते हैं, तो विविचारी दुनिया बनाने वाले हुए ना। तो ऐसे जो विविचारी दुनिया बनाने वाले हैं वो दूसरे जितने भी धर्म हैं वो सब विविचारी हैं और सन्यासी हैं। वो बाप की गृहस्थी में न रह पाते हैं और न बाप की गृहस्थी में पनप पाते हैं और न उसमें सहयोग दे पाते हैं। ऐसा आप शरीर छोड़ छोड़ के परम धाम जाएंगे। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही है। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कर्म संन्यास हो नहीं सकता। कर्म संन्यास की बात यहाँ थोड़ा ही हो रही है, यहाँ तो ये बात हो रही है कि सन्यासी बनकर के कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं और गृहस्थी बनकर के कौन पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ये अभी तो विज्ञान भी ऐसा करने लगे 2030 में ये सारा दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये मनुष्य ने बनाए हुए दुनिया पर अभी से विनाश हो जाएगा, इसमें कोई मनुष्य बता नहीं सकतेगा जो विज्ञान अभी तो दे रहा है बाबा जी। क्या विज्ञान भी तो कहाँ से देता है? और बोल रहा है उसे 2030 से आज से शुरू होगा अब हम मनुष्यों की जो बनाई हुई चीज है उस पर विश्वास क्यों करते हैं, उसकी बात क्यों उठाते हैं जब हमें भगवान मिल गया? जो सच्चाई है वो भगवान ने हमको पहले बता दी या मनुष्य जो साइंस ईजाद कर रहे हैं वो बता रहे हैं? वो तो बाद में बताएंगे, उनको असलियत बाद में पता चलेगी, हमको तो असलियत पहले ही मालूम पड़ गई। पूरा टीवी में सीन देखा करते हैं ऐसा।
पूरा करे जैसे बाबा ने बोले पूरा जैसा जैसे पूरा समुद्र से हिला रहा था ऐसे तूफान उठा था आग जल रहे थे ऐसे पूरा ऐसे देखो बड़े बड़े मकान जल रहे थे ऐसे हो जाएगा मनुष्य ने ऐसा बनाया अभी इसका विनाश का कारण भी मनुष्य ही बन जाता है ऐसे ये भारतवासियों की खासियत है कि भगवान भी आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे और जब विदेशी वही बात निकालेंगे तो बात चारों तरफ ला 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 करते फिरेंगे देखो 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 ये सच्चाई निकली बाबा ये भक्ति मार्ग में बड़े बड़े भगवान है जैसे साईं बाबा क्या 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 बोलता है ये श्री श्री रविशंकर ये भी असतियों में होगा इन्होंने स्वर्ग बनाया इन्होंने स्वर्ग बनाने में भगवान का सहयोग दिया इन्होंने एक व्यापी भगवान माना तो फिर असुदेव में कहाँ से आ जाएंगे उनको भगवान का पहचान है कि नहीं किनको धर्मगुरु उन धर्मगुरुओं को तो छोड़ दो माउंट आबू में जिनको समझे बैठे उनको पहचान है जब उनको ही पहचान नहीं है तो बाहर की दुनिया के तो बात ही छोड़ दो बाबा सर्प को बहुत बार खान छोड़ता है सर्प को बहुत बार खान उतारता है कई बार जाते हैं चौरासी जन्मों के सारी हुई खान है इनको श्याम कहा जाता है चौरासी हुई चौरासी जन्म की कहाँ खाल सड़ी हुई होती है 21 जन्म भूल गए मुरली में है 84 जन्म सड़ी हुई खाल होती है हाँ तो गलत है बात 84 जन्म की तो सड़ी हुई खाल होती नहीं 21 जन्म की तो अच्छी खाल होती है वो सड़ी हुई नहीं कहेंगे उसको 63 जन्म की सड़ी हुई खाल बोलो हाँ इनको श्याम कहा जाता है हाँ जी श्याम कहा जाता है और सुंदर अरे श्याम कहा जाता है तो सुंदर भी किसी को कहा जाता है कि नहीं है श्याम और सुंदर ये गायन कहाँ का है तो श्याम और सुंदर जो गायन है संगम युग का वो संगम युग में क्या पार्ट है जो श्याम भी है और सुंदर भी है ब्रह्मा कुमारियां तो उसका अर्थ ये बता देती हैं कि दादा लेखराज अभी श्याम है और सत्युग में जन्म लेगा तो सुंदर होगा तो ये श्याम सुंदर एक आदमी का नाम है एक व्यक्तित्व का पर्सनालिटी का नाम है या दो का नाम है तो ये तो साबित नहीं होता कि इस जन्म में श्याम है अगले जन्म में शरीर से बच्चा बन के जब जन्म लेगा तो सुंदर होगा तो श्याम सुंदर कहाँ हुआ हाँ उसी जन्म में संगम युग में पहले श्याम और बाद में सुंदर पार्ट बजे सुंदर हो गया बाबा एक बात है ये आदमी मर जाता है तो गौ को दान करके पवित्र होता है ये गृहस्थी में ये क्या है ये सब क्या है मर जाता है तब दान करता है कि जिंदा रहते ही दान करवाते हैं है हाँ ऐसा मनुष्य कोई दुनिया में होता है जिसके पास कोई जीवन में गौ न आई हो है गैया किसको कहा जाता है तो जिन कन्याओं माताओं के ऊपर आधिपत्य रखा है जब देहभान से मरना है तो गाय को अब हमारा काम पूरा हुआ हमें जरूरत नहीं है दे दो अर्पण कर दो गाय को अर्पण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे अर्पण नहीं करेंगे तो स्वर्ग तुमको मिलने वाला देवान रहेगा तो स्वर्ग मिलेगा नहीं पूछ पकड़ के लालो को सागर पार दिखा हाँ तो माने फॉलो करो पूछ पकड़ना माने फॉलो करना जैसे कहते हैं कि सागर मंथन हुआ सर्प का पूंछ देवताओं ने पकड़ा और असुरों ने पकड़ा मुंह
मुंह पकड़ना माना। बाबा आपने ये बात इस मुरली में ऐसी कही थी, आपने ये बात कही ऐसी कही थी, अब ऐसे बात क्यों है बताओ। ये है मुंह पकड़ना, अब पूछ पकड़ना माने जो भी बात कही हम फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, आप बताते जाओ हम चलते जाए, वो है पूछ पकड़ना। तो गाय की पूछ पकड़ना माना। हाँ, जिस जिन कन्याओं माताओं को 63 जन्म अपने कब्जे में रख करके चलाया है, उन्हीं कन्याओं माताओं को अब पूछ पकड़ के चलो, तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ हो रही माता है। सब पुरुष है तो रात में चौराहे पे बैठ के दिखा। हाँ पुरुष है लेकिन स्त्री चोला तो है, तो जो चोला है उसकी लाज रखनी पड़ेगी कि नहीं है। बाबा सीढ़ी के क्षेत्र में जो है जैसे बताया कि अपने अगर पार्ट को नहीं चलता है 84 जन्म के तो वो बुद्धू है, और जो है अभी जो चर्चा हुई तो उसमें ये हुआ कि पिछले पुराने जन्मों को जानते भी हो और अगर अपने पार्ट को नहीं जानते हो 84 के तो सब बुद्धू नहीं। तो क्या है कोई नाटक में नाटक का नाटकबाज हो, कोई नाटक करे, कोई राजा का पार्ट बजाता है, कोई रानी का पार्ट बजाता है, कोई प्रजा का पार्ट बजाता है, कोई क्या पार्ट बजाता है, और पार्ट बजाने वाले को अपना पार्ट ही याद न रहे और रंगमंच पर जाके खड़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बुद्धू कहेंगे क्या कहेंगे फिर। बाबा हाँ, 2 साल लगे हमको मस्ती करी, हमारे पति मना करते हैं यहाँ आने से आपके पास में, आज अपने मन से आई हूँ, आज अपने मन से आई हूँ, तो ठीक किया है। युक्ति से जब तक चलता है तब तक चलाओ, और जब नहीं चलता है तो उनकी बात मान लो, याद ही तो करना है। याद करने से फायदा होगा या कंधे पर चढ़ जाने से फायदा होगा, याद करने से फायदा होगा। बाबा हाँ जी, मतलब पिछली जन्म यहाँ पहले आए तो फिर आए इसी पढ़ाई करने, जब हमने देखा था तो ब्रह्मा बाबा अब विष्णु शंकर हमने वहाँ देखा था साथ करो था, तो उसने पैसे हम वहाँ गए तो बाबा ने दिखाया था काफी, मगर देखो ये तुम्हारा लिखा जिस दिन तारीख से तुम आई हो उसी दिन तारीख ये लिखी, अब फिर आए 5,000 वर्ष यह कामती जब मैं ले लो तब जब वहाँ चलते थे देश में तब हम बन गए थे तब हमें तो बुद्धि में ये बात बैठी कि हम पूर्व जन्म में भी इसी ज्ञान में थे। बस खत्म बात। एनएस माने नया संगठन, अरे दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, इसमें नई बात क्या है, और भी एनएस बनेंगे। जब अष्ट देव हैं और आठों देव जो हैं अलग अलग धर्मों में आखिरी जन्म में जाके गिरते हैं तो अलग अलग धर्मों का छिलका है कि नहीं, कुछ न कुछ है, तो उनको अपने अपने देवहन आएगा कि नहीं, कि ये हमारे अपने हैं। जो क्रिश्चियन धर्म का होगा वो क्रिश्चियनिटी का छिलका होगा थोड़ा बहुत, इस्लाम धर्म का होगा इस्लामिज्म का छिलका होगा, तो जब फाइनल होगा नंबर कैसे बनेंगे 8 के, कैसे पता चलेगा ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर ये चौथा ये पांचवा ये सातवा ये आठवा, प्रैक्टिकल में ऐसा करके दिखाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा। जो ज्यादा नजदीक होगा वो फट से चेंज हो जाएगा, तो दूर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाबा जन्माष्टमी में जो ककड़ी तोड़ते हैं तो उसका बेहद का क्या है? ककड़ी नहीं तोड़ते हैं, खीरा तोड़ते हैं।
खीरा के लिए कहते हैं खीरा को मुंह काट के मलियत नॉन लगाए, रहमन कड़ुए मुखन की होती है यही सजाए। कड़ुआ मुंह का होता है खीरा, क्या खीरा जो है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। तो भगवान जिस तन में आता है और कृष्ण बच्चा जहाँ से पैदा होता है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। पहले कड़ुए मुंह वाला होता है और बाद में जब संपन्न पुरुषार्थी हो जाता है तो नारायण जैसा मीठे मुख वाला बन जाता है। इसलिए बताते हैं कि खीरे में से कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ एक बात है, जन्माष्टमी के दिन में जन्म ने जो बच्चा जन्म लेता है उसको माँ बाप ने वो ये कृष्ण है ये कृष्ण है बनके बोल के उसको बहुत उत्साह करता है, ये सत्य तो कृष्ण होता है क्या? हर एक बच्चा कृष्ण हो जाएगा। हाँ है बॉम्बे में मटके मुर्गे करके हैं। अरे नई बात क्या है, जब जब संगम युग आता है तो संगम युग में ऊंची स्टेज में जा करके बुद्ध रूपी मटकी फोड़ी जाती है। जो पत्थर बुद्धि है उनकी पत्थर बुद्धि तोड़ के उसमें से सार निकलता है। कंपनी में जो भी बन रहा है मकान तो इसमें जो ये फाउंडेशन चल रही है या उसमें किसी का भी मन धन जो लगता है ना, ये भी क्या कोई फाउंडेशन में किसी का किसी का पर किसी का मन किसी का धन एक ही तो इतना का भी शरीर है इतना भी शरीर की सेवा करे या मन से करे इसका भी कोई विशेष पार्ट है क्या जो कंपनी में मकान जो बन रहा है? ये हमारे पहले बीज है मान लो शुरू का है कंपनी का जो कुछ भी हम बोते हैं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन नई बात क्या है? बाबा ये जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है चाहे व्यक्ति का हो चाहे भगवान इसमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का भी पूरा योगदान है पूरा पुरुषार्थ में, मतलब वो निमित्त साकार को कहा जाता है। तो व्यवस्था करके अगर वो उमा उत्साह बढ़ाती है तो जब ज्ञान बुद्धि में उनको बैठेगा तो मंग उत्साह बढ़ाएंगे, या जितना जितना ज्ञान का पॉइंट उनको बुद्धि में बैठता जाएगा उतनी उतनी उमंग उत्साह बढ़ाती जाएंगी। नहीं बैठेगा तो उनको जो पहले के उनके नजदीक वाले हैं उनको उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। क्या नहीं समझ में आया? मान लो कुमार का दादी है, कुमार का दादी ने शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद वो अपने ग्रुप के इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करें तो जितना जितना एडवांस नॉलेज समझती जावेंगी उतना ही इंस्पायर करेंगी, उमंग उत्साह देंगी बीज रूप आत्माओं को। उनको उमंग उत्साह नहीं देंगी तब तक वो जो जड़ों वाले हैं जिनको अब तक सहयोग संपर्क रहा उनको देंगी। ये पेड़ पौधे होते हैं उनकी आत्मा होती है क्या? क्यों नहीं होती? होती है। तब तो कोई पेड़ है, पेड़ की एक जड़ काटो तो ऊपर का एक हिस्सा सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? अगर आत्मा नहीं है तो पेड़ की जो जड़ नीचे काटी गई ऊपर क्यों सूख जाता है वो हिस्सा? बाबा जैसे पेड़ वृक्ष को काटा जाए तो उसमें पाप तो लगेगा। एक मनुष्य की हत्या की जाए और एक मछली की हत्या की जाए बराबर हत्या का पाप लगेगा? मछलियों को सबको मार दिया और मनुष्यों को जिंदा कर लिया, उनकी भूख मिटा दी, तो पाप ज्यादा चढ़ा या पुण्य ज्यादा बना? पुण्य ज्यादा बना क्योंकि मनुष्य भगवान के ज्यादा नजदीक है और जड़त्वमयी बुद्धि वाले प्राणी मनुष्यों पर निर्भर है। मनुष्य का वाइब्रेशन जब सुधरेगा तब वो प्राणी सुधरेंगे।
जड़ बुद्धि है, जड़ तुम्हारी बुद्धि है, उनको भी तो सुख दुख का अनुभव होता है या नहीं होता है? उनको अच्छा भोजन दो, लहलहा जाएगा, उसकी जड़ काट दो, कुमला जाएगा। निर्जीव है तो ये बढ़ता पड़ता कैसे? जड़ तुम्हारी बुद्धि है। बाबा जो कैसे अमृत बेल होता है उसमें तो नहीं रहता है, अमर बेल होता है वो, तो उसमें जड़ नहीं होती है क्या? वो जिस पेड़ पे लिपटी हुई होती है उस पेड़ में जो मिट्टी के कण जाके लिपट जाते हैं, उन मिट्टी के कणों से ही वो अपना रस लेता रहता है। टाइम हो गया।